कितना स्ट्रगल किए हैं, कितना हमने दिक्कतों का सामना किया है। कभी कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ मैं, हमेशा मुसीबतों का सामना किया हूँ और उसके बाद में अपने आप को तकलीफ़ दे के अपने फैमिली को हमने खुश रखा है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज, अभी सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 8 और आज है भाई 12 अक्टूबर 2024। तो आज की तारीख हमारे लिए भाई बहुत ख़ास है क्योंकि आज ही की तारीख में हमारी शादी हुई थी और हमारी शादी को आज पूरे 9 साल हो चुके हैं। 12 अक्टूबर 10वां महीना 2015 को हमारा निकाह हुआ था और उसके तीसरे दिन हमारे यहाँ वलीमा हुआ था, तो एक दिन का ब्रेक लिया गया था। तो ये जब भी तारीख, ये महीना आता है तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार आज ही की तारीख में और इसी महीने में हमारी शादी हुई थी, मैं बहुत खुश था, मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो ये शादी मैंने अपने अकेले दम पे किया है, हमारे घर से हमको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था। सपोर्ट सिर्फ 0% जिसको कहते हैं उतना मिला था। हमारी अम्मी जो है हमको 15,000 रुपये दी थी सिर्फ, और उन्हीं 15,000 रुपयों में हमने अपने वाइफ के लिए कपड़े वगैरह खरीदे थे। जो भी उसमें आया वो 15,000 में सब हमने खरीद लिया। उसके बाद में एक एक पैसा, एक एक रुपए भाई मैं अपने जो है खुद का लगाया हूँ। अब आप लोग कमेंट करोगे कि आपका कोई सपोर्ट करने वाला बड़ा भाई नहीं था क्या? तो बड़ा भाई भाई था, लेकिन उसने हमारा सपोर्ट नहीं किया, एक पैसा भी उसने नहीं लगाया। तो खैर, मैं उतना ज़्यादा अपनी पर्सनल फैमिली मैटर में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं तक वो लोग भी यही सोचेंगे कि मतलब अब ये वीडियो बनाने लगे हैं तो वीडियो में भी सारी बातें कर रहे हैं। तो बाकी मुझे अपने माँ बाप से कोई शिकवा गिला नहीं है, उन्होंने हमको 15,000 रुपये दिए तो मैं उसमें खुश था। और अगर हमारी अम्मी हमको ये 15,000 रुपये भी ना देती ना, तब भी मैं खुश था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र था हमारे पास पैसा था। मैंने 2 साल कुवैत में कमाया हुआ था तो उसमें घर भी बनवाया, अपनी शादी भी की, उसके बाद बहन की भी शादी की। तो इस वीडियो में हमारा बताने का मकसद यह है कि हमारी जब से शादी हुई है तब से हम कितना स्ट्रगल किए हैं, कितना हमने दिक्कतों का सामना किया है, कितना जो है मुसीबतें हमारे सामने आई हैं, और मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ, मैं हमेशा मुसीबतों का सामना किया हूँ और उसके बाद में अपने आप को तकलीफ़ दे के अपने फैमिली को हमने खुश रखा है। और मैंने अपनी इस 9 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में अपने परिवार को सिर्फ हमने 3.5 साल का समय दिया है। मतलब मैं 9 साल में अपने घर पे सिर्फ 3.5 साल रहा हूँ, बाकी सारा टाइम हमारा इधर सऊदी अरब में गुजरा है, वो भी इसलिए ताकि अपने परिवार को मैं खुश रख सकूँ, उनको जो है किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। और साल भर में जब भी ये तारीख, ये महीना आता है, मुझे हर वो चीज़ याद आती है कि हाँ यार, इस तारीख को मेरी शादी हुई थी, मैं दूल्हा बना था, मेरा निकाह हुआ था, इतने बजे बारात गई थी, इतने बजे मुझे नहलाया जा रहा था। तो ये सब बातें भाई याद आती हैं, 9 साल पहले मैं क्या था, क्या से क्या हो गया, और ख़ुद के लिए मैं एक सज़ा हो गया। तो ये बातें हमने आप लोगों तक इसलिए शेयर की है क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम आप लोगों से ही शेयर करते हैं, जो सामने है उससे सामने शेयर करते हैं, और जो स्क्रीन पे है हम उससे स्क्रीन पे शेयर करते हैं। तो बाकी जो हकीकत है भाई वो हमने बताई है अपने शादीशुदा की ज़िंदगी के बारे में। 9 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला ने 2 औलाद दी हैं, दोनों लड़कियां हैं, एक 8 साल की है और एक 3 साल की है। बड़ी वाली का नाम है इरम, उसको जो है थोड़ा सा ऊपर वाले ने दिक्कत दे दी है, उसको जो है ना सही तरीके से बोलना नहीं आता है, बराबर सुनती नहीं है। और जो दूसरी है वो 3 साल की है, उसका इकरा नाम है, आप लोगों ने जो देखा ही होगा आज से 7-8 महीना पहले जब हम घर गए थे तो हम जो है उन लोगों को वीडियो में लेके आए हैं। जो लोग हमारी शुरू से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा, उन लोगों ने देखा भी होगा। एक बात और कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। शादी के बाद जो सुख मिलता है ना, वो सबके नसीब में नहीं होता है। कुछ ही लोगों को शादी के बाद सुख मिलता है, जिसके पास अच्छी नौकरी होती है, अच्छा पैसा होता है, या फिर उसके पूर्वज इतना जो है बना के गए हों कि वो अपना जो है अपने घर में कर खा के अपना ज़िंदगी अपना जीवन बिता सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलो गाइस, फिलहाल हम मिलते हैं आपको सीधा दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।